रविवार को बीजेपी मुख्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी। कांग्रेस नेताओं को बीजेपी पर पलटवार करने का मौका मिल गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमें जो उपदेश दे रहे थे उनके कार्यालय में जिस तरह से नियमों को कुचला गया वो सबके सामने। हरीश रावत ने कहा कि हम बैलगाड़ी में बैठकर कुछ कदम किया गए तो मुकदमा कर दिया गया, लेकिन बीजेपी में हुए कार्यक्रम में तो पूरे शीर्ष नेता थे, फिर किस पर मुकदमा किया गया ये बताएं। आज भाजपा कार्यालय में कोई ज्वाइनिंग हुई और उस ज्वाइनिंग के जो वीडियो फुटेज हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और उन सब आवश्यक सावधानियों प्रोटोकॉलों का कोई पालन नहीं हुआ जो कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक है।